ASUS ने आज अपना गेमिंग फ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है ROG फ़ोन और यह स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टाकोर पावर्ड है। इसमें 8 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और इसकी कीमत है 69,999 रुपये, मतलब कि 69,999 रुपीज़। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको इस गेमिंग फ़ोन के खास फीचर्स के बारे में बताऊँगा और बहुत सारे एक्सेसरीज है, यूनिक किस्म के एक्सेसरीज़ हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ASUS का ROG गेमिंग स्मार्टफोन। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है, बहुत ही यूनिक किस्म की बॉक्स पैकिंग है और दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले जो बॉक्स पैकिंग है काफ़ी अलग है। इस बॉक्स पैक के अंदर आपको ASUS का ROG गेमिंग फ़ोन मिलेगा, चार्जिंग अडाप्टर, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड वगैरह वगैरह। यह है ASUS ROG गेमिंग फ़ोन जो दूसरे स्मार्टफोन से तो काफ़ी अलग दिखता है। और इस बॉक्स पैक में आपको इस हैंडसेट के अलावा ये कूलिंग सिस्टम मिलता है जिसे आप हैंडसेट के पीछे अटैच कर सकते हैं। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और अगर आप कोई हैवी गेम्स खेलते हैं तो उसे आप काफ़ी देर तक खेल पाएंगे बिना कोई लैग के या फिर परफॉर्मेंस इशू के। पीछे से ये इस प्रकार का दिखता है, पीछे ग्लास और मेटल का उपयोग किया गया है, देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही यूनिक किस्म का है। और देखिए साइड से ये इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट है, ऑडियो जैक दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पर पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर है और ऊपर की तरफ यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है ऊपर की तरफ और यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पेशल पोर्ट है जहाँ पर आपको एक USB टाइप सी पोर्ट भी मिलता है। मतलब कि जो हैंडसेट है इसमें दो USB टाइप सी पोर्ट है, एक तो नीचे की तरफ है यहाँ पर और एक यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप गेम खेलते हैं और आपको चार्जिंग करना है तो जो साइड वाला USB टाइप सी पोर्ट है वो बहुत ही काम में आता है। इस हैंडसेट में एक और यूनिक फीचर है और वो है एयर ट्रिगर्स, मतलब कि जो साइड है ये देखिए यहाँ पर इन्हें आप प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसे जब प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली गेमिंग मोड में जा रहा है, फिर से प्रेस करते ही गेमिंग मोड से बाहर आ जाता है। गेमिंग मोड को यहाँ पर एक्स मोड कहा गया है, अगर आप चाहें तो एक्स मोड मतलब कि जो गेमिंग मोड है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या फिर ये जो हैंडसेट है इसे साइड में अगर आप प्रेस करेंगे ये देखिए इस प्रकार से, तो जो गेमिंग मोड है या एक्स मोड जो है उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जब कभी आपको गेम्स खेलना है ये जो गेमिंग मोड है इसे एनेबल कर दीजिए, इससे क्या होगा कि जो सिस्टम है ये गेम्स के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एकदम हाई लेवल या हाई परफॉर्मेंस मोड में चलने वाला है। इसका जो स्क्रीन है ये 6 इंचज़ का है, एमोलेड डिस्प्ले है, HDR सपोर्ट करता है, 1:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और एक और खासियत यह है कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 90 Hz का है। जब आप गेमिंग मोड या एक्स मोड को एनेबल करते हैं तो देख सकते हैं पीछे जो ASUS का लोगो है, ROG लोगो, वो देखिए लाइट अप हो जाता है। अब ये जो लोगो है ये RGB लोगो है, ये जो लोगो है ये तभी लाइट अप होता है जब आप एक्स मोड को एनेबल करते हैं। डुअल स्पीकर्स है आगे की तरफ और ये 7.1 चैनल सराउंड साउंड सपोर्ट करता है। फ्रंट 2.5D कर्व्ड स्क्रीन जो है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्टेड है और जो रियर साइड पर ग्लास का उपयोग किया गया है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड है। एयर ट्रिगर बहुत ही कमाल की चीज़ है, खास करके आप इसे पबजी गेम में उपयोग कर सकते हैं, तो जो साइड्स हैं उन्हें आप ट्रिगर की तरह उपयोग कर सकते हैं, आपको एक्सटर्नल ट्रिगर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब कभी आप कोई हाई एंड गेम्स खेलते हैं जैसा कि पबजी गेम, तो आप ये जो कूलिंग सिस्टम है इसे इस प्रकार से अटैच कर सकते हैं, जो पोर्ट्स दिया हुआ है साइड में वहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम को आप डाल सकते हैं और जैसे ही आप ये कूलिंग सिस्टम डाल देंगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपने ये जो कूलिंग सिस्टम है उसे डाल दिया है। और देख सकते हैं कि पीछे जो लोगो है ये भी थोड़ा सा लाइट अप हो जाता है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जो गेमिंग मोड है या एक्स मोड उसे एनेबल करना है। ये लीजिए देख सकते हैं कि जो लोगो है लाइट अप हो गया है। ये जो कूलिंग सिस्टम है इसमें एक फ़ैन है और ये करता क्या है कि जो हार्डवेयर है उसे ठंडा रखता है। यहाँ पर देख सकते हैं USB टाइप सी पोर्ट भी है और ऑडियो जैक भी दिया हुआ है, तो ये कूलिंग सिस्टम के साथ आप पबजी गेम को काफ़ी देर तक खेल पाएंगे बिना कोई परफॉर्मेंस इशू के। ये जो ROG फ़ोन है इसके लिए एक स्पेशल केस मार्केट में अवेलेबल है, ये देखिए इस प्रकार का केस है और ये केस की खासियत ये है कि इसमें ये देखिए ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसे आप निकाल सकते हैं। ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपको कूलिंग सिस्टम लगाना है तो जो बीच वाला भाग है मेटल का भाग उसे आप निकाल सकते हैं, तो केस का जो साइड्स है उसे आप इस प्रकार से यहाँ पर राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर लगा सकते हैं। ये केस बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेसरी है।
ये एक मोबाइल डेस्कटॉप डॉक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो फ़ोन है इसे मैंने मोबाइल डेस्कटॉप डॉक के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, जो साइड में जो स्पेशल पोर्ट है उसका उपयोग करके। ये देखिए इस डॉक में बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, आप इसे अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं जैसे कि पबजी या फिर फ्री फायर, तो वो जो गेम है आप बड़े स्क्रीन पर खेल पाएंगे। और अच्छी बात ये है कि ये जो डॉक है इसके साथ में आप कीबोर्ड और माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ये अलग ही लेवल पर चले जाता है। ये एक छोटा सा डॉक है जो उसी प्रकार का काम करता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए, तो फिलहाल ये जो फ़ोन है ASUS ROG फ़ोन, इसे मैंने मोबाइल डेस्कटॉप डॉक के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, और देख सकते हैं कि ये जो गेम है इसे मैं बड़े स्क्रीन पर खेल पा रहा हूँ। इस गेम का नाम है फ्री फायर और ये एक तरह से पबजी गेम की तरह ही है। यहाँ पर भी आप प्लेन से जंप करते हैं और आपको गन्स ढूंढना है और ओपोनेंट्स को शूट करना है। फ़ोन पर तो ये गेम बहुत ही स्मूथली चलता है, लेकिन अगर आपको और भी बेहतर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ये जो फ़ोन है इसे मोबाइल डेस्कटॉप डॉक के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने मॉनिटर या टीवी के ऊपर ये जो गेम है इस प्रकार से खेल पाएंगे। अच्छी बात ये है कि आप एक कीबोर्ड और माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मोबाइल पर आप अपने हाथों का उपयोग करते हैं, यहाँ पर आप कीबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं और साथ में माउस का भी उपयोग कर रहे हैं एम लेने के लिए, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। वो इसलिए क्योंकि आपने ये जो गेम है इसे एक तरह से डेस्कटॉप वर्जन बना दिया है, टेम्पररी डेस्कटॉप वर्जन कह सकते हैं, और जो दूसरे ओपोनेंट्स हैं आपके वो तो फिलहाल मोबाइल का ही उपयोग कर रहे हैं, आप कीबोर्ड और माउस का भी उपयोग कर रहे हैं। ये गेम मैं पहली बार खेल रहा हूँ और कीबोर्ड का जब आप उपयोग करते हैं तो और भी आसान हो जाता है। ये देखिए, आप खास करके WASD कीज़ का उपयोग करते हैं और साथ में माउस का भी उपयोग कर रहे हैं। ग्राफिक्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दिख रही है, यहाँ पर लगता है कोई एनिमी है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसेसिंग हो रहा है ये जो ASUS का ROG फ़ोन है वो कर रहा है, मतलब कि ये जो फ़ोन है इसे मैंने जो डॉक के साथ में कनेक्ट किया हुआ है तो जो प्रोसेसिंग है वो फ़ोन पर ही हो रहा है। जो डॉक है एक तरह से मीडिया है जिसके थ्रू मैं जो भी चीज़ मुझे फ़ोन पर दिख रही है वो मैं बड़े स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। ये देखिए, तो अगर आपके पास ROG फ़ोन है और मोबाइल डेस्कटॉप डॉक है तो जो गेम है उसे आप डेस्कटॉप वर्जन में खेल सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार से ये जो फ़ोन है इस पर भी ये जो गेम है खेल सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो डॉक है उससे फ़ोन निकाल दिया है और जो गेम है अब मैं इस फ़ोन पर खेल रहा हूँ। अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं, एक सीरियस गेमिंग यूज़र, तो आपको ये जो फ़ोन है ये बहुत ही पसंद आने वाला है। ये देखिए, ये है मोबाइल डेस्कटॉप डॉक और यहाँ पर आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर SD कार्ड स्लॉट भी है, HDMI पोर्ट्स भी है, मल्टीपल HDMI पोर्ट्स हैं और अगर आप चाहें तो मल्टीपल स्क्रीन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें RJ45 का पोर्ट भी है, तो आप वायर्ड लैन जो है उसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसे आप एक तरह से वायर्ड डॉक कह सकते हैं। एक और ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि एक और एक्सेसरी अवेलेबल है जिसका नाम है WiGig। ये एक तरह से वायरलेस डॉक है। ये देखिए, और पीछे देख सकते हैं HDMI USB कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिया हुआ है। इनमें से कुछ एक्सेसरीज जो हैं फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेसरी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है TwinView Dock। ये है TwinView Dock और जैसा कि आपने पहले ही देख लिया इसके अंदर एक स्क्रीन भी है, तो एक तरह से ये गेमिंग कंट्रोलर की तरह दिखता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है और इसमें एक बिल्ट इन स्क्रीन भी है और ऊपर से आपको ये जो ASUS का ROG फ़ोन है उसे भी आपको कनेक्ट करना है। कुछ कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिया हुआ है और जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं वो एक तरह से बटन्स हैं। तो ये लीजिए ROG फ़ोन जो है ASUS का, उसे मैं इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे कनेक्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाता है। देखिए, दोनों जगह पर, मतलब कि जहाँ पर ASUS का फ़ोन है वो तो ऑन हो गया है, उस पर भी स्क्रीन है और नीचे भी स्क्रीन है, तो दोनों ऑन हो गया है। तो ये जो TwinView Dock है ये भी गेमिंग यूज़ के लिए बनाया हुआ है और जो पीछे की तरफ बटन्स दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला जो बटन्स है ऑरेंज कलर के, इन्हें आप ट्रिगर की तरह उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये दो बटन्स दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दो स्क्रीन क्यों दिया हुआ है। अब ये जो दो स्क्रीन है ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको दो व्यू मिल जाते हैं। अभी जो फ्री फायर गेम है ये बिल्कुल पबजी की तरह है, पबजी में भी मैप होता है, इसमें भी मैप है, तो जब आप मैप चेक करते हैं तो स्क्रीन कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दो स्क्रीन है तो जो मैप है उसे आप परमानेंटली ऊपर वाला या नीचे वाला जो स्क्रीन है उसमें रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, तो बार बार आपको मैप चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अभी जो फीचर है फिलहाल तो इस गेम में एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। एक अपडेट आने वाला है उसके बाद में ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस ट्विन व्यू डॉक से आप दो एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। देखिए ऊपर गेम चल रहा है और नीचे मैं ब्राउजिंग भी कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो व्हाट्सएप के ज़रिए किसी और के साथ में चैट भी कर सकता हूँ, या दूसरा कोई भी अन्य एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक है, खास गेमिंग यूजर्स के लिए बनाया हुआ है। जब आप ROG फ़ोन को इसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो पीछे जो ROG का लोगो है इस डॉक के ऊपर, ये देखिए ये भी लाइट अप हो जाता है, ये लोगो भी RGB है। और अंत में मैं एक और एक्सेसरी के बारे में बताने वाला हूँ, और ये है गेमवाइज। ये देखिए ये है गेमवाइज एक्सेसरी, इसे गेमवाइज कंट्रोलर कहते हैं, गेम पैड की तरह है। कुछ बटन्स हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ दो बटन्स हैं, इनफैक्ट टोटल चार बटन्स मिल जाते हैं, दो लेफ्ट हैंड साइड पर और दो राइट हैंड साइड पर। और इसका उपयोग करके आप इस प्रकार से जो फ़ोन है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इस पर, और बहुत ही बढ़िया सा गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है इसके साथ में। ये देखिए ये जो ROG फ़ोन है इसमें 4000 mAh की बैटरी है, क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करता है, और 30 वॉट्स का जो फास्ट चार्जर है वो भी बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगर कैमरा की बात करें तो रियर साइड पर 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास हैं, और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो इन ऑल ये जो हैंडसेट है बहुत ही पावरफुल है, आप इसे नॉर्मल यूज़ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, कैमरा की क्वालिटी भी एक्सीलेंट होगी। और वैसे तो ये जो हैंडसेट है ये खास गेमिंग यूज़ के लिए बनाया हुआ है, तो अगर आप एक हार्डकोर गेमिंग यूज़र हैं तो आपको ये जो हैंडसेट है बहुत ही पसंद आने वाला है। ये प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से ख़रीद पाएंगे, कीमत है 69,999 रुपीज़, और साथ में EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये हैंडसेट आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।